खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भरी दोपहर में भीड़ वाले इलाके में अचानक से दो लोगों ने एक कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सड़क के उस पार खड़ी पुलिस की पीसीआर वैन पर भी बदमाशों ने फायरिंग की। अपनी सुरक्षा में पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई। करीब 15 राउंड से ज्यादा हुई इस फायरिंग में 2 बदमाश मारे गए। गाड़ी जो है वो रेड्स थी, दूसरी गाड़ी स्विफ्ट थी, दोनों गाड़ियां एक दूसरे को फॉलो कर रही थी। ऐसे में जो पीछे वाली गाड़ी है उसमें बैठे बदमाश ने सामने वाली गाड़ी जो कि रेड्स गाड़ी है उस पर हमला किया। घटना कल करीब शाम 4 बजे की है। मारे गए बदमाशों की पहचान प्रवीण गहलोत और विकास दलाल के रूप में हुई है। गनशॉट्स की आवाज सुनी और हमारा जो इंचार्ज है वो जंप करके इस तरफ आया। जब आया तो उसने देखा कि शूट आउट चल रहा है, तो जब उसने लड़खड़ाया तो इन्होंने उसकी तरफ गन लगाई। इसने अपनी सर्विस वेपन से 3 फायर किए, 3 राउंड, और इसमें ये इंसिडेंट हुआ। गनीमत रही कि पुलिस ने हालात को संभाल लिया, वरना ये गैंगवार और खतरनाक हो सकता था।